बिस्मिल्लाम इन एडवांस रिस्क मैनेजमेंट हमने बात की थी बिहेवियर फ़ाइनेंस की और अब इसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स की बात की थी कि दे आर वीक सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग और बिहेवियर फाइनेंस कैसे हमारी डिसीजन बे पे इंडिविजुअल के इम्पैक्ट कर सकता है आज हम थोड़ी सी इसको फर्दर डेप्थ में बात करेंगे कि वट आर द चैलेंजेस ऑन देश वट आर द पॉइंट्स दैट लीड टू दीज पर्टिकुलर एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स रैशनैलिटी पीपल आर नॉट ऑलवेज रैशनल मैनी इन्वेस्टर फेल टू डाइवर्सीफाई ट्रेड टू मच एंड सीम टू ट्राई मैक्माइज टेक्सेज बाई सेलिंग विनर्स एंड होल्डिंग लूजर्स रैशनैलिटी की एक एक्जम्पन होती है ट्रेडिशनल फाइनेंस में कि सारे इन्वेस्टर एक जैसा सोचेंगे या प्रैक्टिकल सोचेंगे लेकिन ऐसे एक्चुअली होता नहीं है आमतौर पर क्या कर लेते हैं लोग कि जिस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है उसको तो फटाफट भेज देते हैं और जो जिसकी वैल्यू गिरी होती है या गिर रही होती है उसको रख ही रखते हैं बेशक आगे लग भी रहा हो कि फर्दर भी गिर जानी है बट दे कीप द लूजर नॉट सेलिंग इट बाय एडमिटिंग के जी हमारे से ये मिस्टेक हो गई है तो ये इससे क्या होता है जब सेलिंग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे तो पोर्टफोलियो के रिटर्न को भी इम्पैक्ट आएगा और प्लस जो फॉलिंग है वो भी आप रोहोल्ड करते रहते हैं तो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करता है तो ये एक बिहेवियर के फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट पीपल डेविएट फ्रॉम रैशनैलिटी इन प्रडिक्टेबल वे वो कहते हैं जी लोग मूव करते हैं उसका भी एक लॉजिक है कि ये किसी पाथ में किसी वजह से ही मूव कर रहे होते हैं सो so, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये बिहेवियर इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड वट पीपल थिंक माइंड गेम की यहाँ पर बात हो रही होती है रिप्रजेंटेटिवनेस ड्राॅइंग कंक्लूजन फ्रॉम टू लिटल डेटा दिस कैन लीड टू बबल्स इन द सिक्योरिटी प्राइस कि आप अपने माइंड में एक चीज़ बना लें बस उसी के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पे पूरा डिसीजन लेके बस उसकी तरफ मूव करते जाएंगे। अच्छा जी मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी कंपनी ने अच्छा जाना है तो बस वो जाता जाए उसकी सेल अच्छी हो रही है तो वो प्रॉफिट भी अच्छा होगा वो हमने फिर देखा डॉट कॉम बबल इसी आया कि सब यही सोची जा रहे थे कि जी टेक्नोलॉजी कंपनी ने तो कभी नीचे जाना ही नहीं है बट दैट वॉज द बिग बर्स्ट इसी तरह में जो वो प्रॉपर्टीज का भी मामला हुआ कि मतलब किसी ने सोचा ही नहीं कि मार्केट में प्रॉपर्टीज की वैल्यू नीचे भी आ सकती तो एक रिप्रेजेंटेटिवनेस दीज आर कॉल्ड बाइसिस कि ये हमारी बाइसिस हैं जो कि हमारी डिसीजन पे इम्पैक्ट कर सकती हैं कंजरवेटिज्म पीपल आर टू स्लो इन एडजस्टिंग देयर बिलीव टू न्यू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइस सीम टू रिस्पॉन्ड टू स्लोली टू अर्निंग सरप्राइज कि कंजर्वेटिव लोग कहते हैं कोई नई न्यूज आ गई है अभी थोड़ी देर रुक जाओ पहले इसको देखते हैं बाकी लोग क्या करेंगे तो राधर देन मेकिंग रैपिड क्विक टाइमली चेंज लोग अपने पोर्टफोलियो में भी इम्पैक्ट देर से लाते हैं तो शेयर की प्राइस में भी इम्पैक्ट कई दफ़ा देखा गया है देर से आता है तो कंजर्वेटिव अप्रोच है कि राधर देन एडजस्टिंग ऑन टाइम यू टेक लॉन्ग दैट इज लीड तो कई दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट्स में ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखी जाती है आर्बिट्राज सपोज दैट यू आर सुपीरियर एनालिसिस शो दैट कंपनी ए बी सीज ओवर प्राइसड क्या आपका आपने एनालिसिस कि ओवर प्राइस है आर्बिट्राज क्या कहेगा वो कहेगा जी कि इसको शॉर्ट कर दें सेल और लॉजिक आपके ख्याल से अभी ओवर प्राइस है तो आप शॉर्ट सेल कर दें जब नीचे जाएगा आप इसको खरीद लें अब नीचे जाएगा जब बाकी इन्वेस्टर्स को भी इसको रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये ओवर प्राइस है और वो सेलिंग होगी और प्राइस नीचे आएगी आफ्टर द रेस्ट

अब वो बाकी इन्वेस्टर को रियलाइजेशन होगी शेयर की वैल्यू नीचे आएगी तभी आपको फ़ायदा होगा ना लेकिन इन्वेस्टर बाकी कहते नहीं ये तो शेयर बहुत अच्छा है इसको तो ऊपर जाना चाहिए या इसी लेवल पर ठीक है तो इस केस में क्या होगा वो आर्बिट्राज की बात तो ठीक थी लेकिन वो आर्बिट्राज ने आपको फायदा नहीं दिया ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट कोट है मार्केट्स कैन स्टे इैशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉलमेंट मतलब आपने बहुत बड़ी पोजीशन शॉर्ट सेल कर दी तो आपको रोज वहां से मार्जिन कॉल आ रही है आपको कॉस्ट पड़ी जा रही है लेकिन मार्केट नीचे आ ही नहीं रही तो आपकी कंपनी बैंक आपके इन्वेस्टर जो है वो बैंक हो गया लेकिन कंपनी में और जो मार्केट में अभी वो ठीक चीज़ नहीं हुई तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि फॉर आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन में भी तो वो ठीक होना चाहिए ना तो आर्बिट्राज इज़ गुड बट दैट डज नॉट मीन कि वो ऑलवेज टाइमली अपने आप को ठीक कर लेगा सो दिस इज चैलेंजेस टू द बिहेवियर फाइनेंस जो कि आप आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है कि वो पोजिशन है लेकिन वो वो छः महीने में नहीं हुआ साल में नहीं हुआ आप एक साल से ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे तो मे बी यू बिकम इंसॉलमेंट बट मार्केट डज नॉट करेक्ट तो ये एक बड़ा रिस्क होता है इम्पेरिकल चैलेंजेस इंपेरिकल चैलेंज बेसिकली होते हैं जो हिस्टोरिकली चीज देखी गई है कोई रूल नहीं है बट हिस्टोरिक लिमिट टू आर्बिट्राज मार्केट कैन स्टे इैशनल लॉन्गर देन यू कैन से इंस्टॉलमेंट जो भी बात हमने की है कि वो लॉन्ग टर्मली रॉन्ग प्राइस रह सकते हैं अर्निंग सरप्राइज स्टॉक्स प्राइस इज एडजस्ट स्लोली टू अर्निंग अनाउंसमेंट कि अर्निंग अच्छी आ रही है प्रॉस्पेक्ट्स आ रही हैं तो प्राइस बढ़नी चाहिए या अर्निंग बुरी आ रही है तो कम होनी चाहिए लेकिन वो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता बिहेवियस क्लेम दैट इन्वेस्टर एग्जिबिट कन्जर्वेटिज्म कन्जर्वेटिज्म आती है जो कि वो उसको रोक लेती है एंड यू आर नॉट गोइंग टू द राइट प्राइस ऑन राइट टाइम तो ये एक फैक्टर्स हैं जो एफिशिएंसी को रोकते हैं दीज आर आल्सो रेफर टू एज एनोमलीज टू एफिशिएंसी और पॉइंट्स दैट लिमिट द एफिशिएंसी साइज साइज में हमने ये देखा है कि जो छोटी कंपनी के शेयर्स हैं या स्मॉल कैप शेयर्स हैं दे आर परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग द लार्ज कैप्स ये हिस्टोरिकली देखा जा रहा है कि जो स्मॉल कैप्स आर आउट परफॉर्म लार्ज कैप अब अगर तो मार्केट्स एफिशिएंट हो तो ये नहीं होना चाहिए कैप से तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दे अर्निंग बट अदर्स आरग्यू कि जी जो स्मॉल कैप है उनके रिस्क ज्यादा हैं इसलिए उनको रिटर्न ज्यादा होना चाहिए सो दीज आर डिबेट्स गोइंग ऑन बिटवीन बिहेवियर एलिमेंट्स तो और ये एफिशिएंसी को डिस्करेज कर रहे हैं या उसकी एक्सेप्शन को शो कर रहे हैं कि अगर एफिशिएंट हैं तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए लेकिन बट स्टिल वी सी दैट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इकोनमी या मोस्ट ऑफ द मार्केट्स देन वी हैव सीन वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक हाई बुक वैल्यू टू प्राइस स्टॉक्स एंड हाई पी आई अर्निंग स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ स्टॉक्स के जिनकी जो हमने देखा है कि बुक वैल्यू ज्यादा है या जिनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा आ रही हैं दे आर आउट परफॉर्मिंग तो अगेन इफ ये वैल्यू uh, और ग्रोथ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए इफ़ मार्केट्स आर एफिशिएंट बट इट हैज बीन सीन फ्रॉम द मार्केट्स फॉर लॉन्ग के ये आउट परफॉर्मेंस भी देखी गई है तो दिस अगेन अनोमली और द चैलेंज टू द मार्केट एफिशेंसी इम्प्लीशन ऑफ कारपोरेट फाइनेंस बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन सिक्योरिटी प्राइस क्विकली इन्वेस्टर शुड ओनली एक्सपेक्ट टू अपटेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि हमें पता है कि मार्किट्स में इमिजिएटली अच्छी uh, जो जो भी न्यूज़ होगी वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जा नहीं है तो हमें नॉर्मल रिटर्न मिलेगा अब नॉर्मल रिटर्न की चांसेज आर लो स्पेसिफिकली बिकॉज वेन मार्केट्स आर एफिशेंटली अवेयरनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन इट रिलीज दज ए इन्वेस्टर लिटिल गुड द प्राइस एडजस्ट बिफोर इन्वेस्टर हैज़ टाइम टू एक्टोनेट कि हमें न्यूज़ आई एक कंपनी के बारे में उससे पहले पहले ही शेयर की प्राइस एडजस्ट हो जानी चाहिए या हो जाती है उसका न्यूज़ का हमें उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करने का इतना फायदा नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी इम्पैक्ट हो जाना है तो ये भी सारी लॉजिक है लेकिन अगर उसको कोई स्टडी करेगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा ना अगर कोई एनालिस्ट सारे एनालिस्ट फॉलो करना छोड़ दें कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा तो फिर हाउ द इम्पैक्ट विल कम इन द मार्केट सो so, ये भी एक बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने नॉर्मल रिटर्न ही मिलना है वी शुड नॉट डू द एनालिसिस बट अगर कोई भी एनालिसिस नहीं करेगा तो हाउ द गेन विल कम हाउ द प्राइस एडजस्टमेंट विल कम तो ये एक टग ऑफ द वॉर है दैट इम्पैक्ट्स आर सिचुएशन फर्म शुड एक्सपेक्ट टू रिसीव द फेयर वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी दे सेल कि फर्म्स को अपने जो वो इशू कर रहे हैं उनको फेयर वैल्यू उसकी मिलनी चाहिए फेयर मीन प्राइज दे रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटी शूड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दस वैल्यूएबल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी दैट राइज फ्रॉम फूलिंग इन्वेस्टर्स आर अन अवेलेबल इन एफिशियंट मार्केट के उनको फेयर प्राइस मिलनी चाहिए तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि आपकी शेयर की वर्थ है सौ आप दो सौ का शेयर इशू कर दें तो लोग इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुँचे उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए फेयर वैल्यूएशन है दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एफिशियंट मार्केट तो अब एफिशिएंट मार्केट के अपने कुछ नॉर्म्स हैं अपने बेनिफिट्स हैं जो कि उसको लेके जाते हैं रिफ्लेक्शन आते हैं बट स्टेन दे आर स्टिल देर आर मेनी चैलेंजेस लिमिटेशन एंड अनोमलीज विच आर सीन इन द मार्केट तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है विच आई एल रिक्वेस्ट यू कि इस पर आप थोड़ी रिसर्च करें डू डिलीजेंस ऑन इट कि ये बिहेवियर फाइनेंस क्या है वट आर द टाइप्स ये हम कुछ बात करें इसकी फर्दर स्पेसिफिक इंडिविजुअल माइक्रो बिहेवियर्स भी बहुत तरह के हैं

विदाउट डिप्रेसिंग हमने ये भी देखा है कि अगर आप शेयर इशू करो तो प्राइस में इम्पैक्ट आ जाता है फॉल आ जाता है ये मार्केट में एक्चुअली होता है इन स्पेशली इन वीक फॉर्म लेकिन इन ट्रू एफिशेंट मार्केट जितने मर्जी आप शेयर इशू कर दें उससे प्राइस में डिप्रेशन नहीं आना चाहिए सो एफिशेंट मार्केट्स अगर हों तो इट्स वेरी गुड बट दे हैव देर ओन लिमिटेशन एंड चैलेंजेस इवन वी आर डिफिकल्ट टू हम इवन जो सबसे बड़ी न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज है हम उसको भी अभी तक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं देख सके बिकॉज वी हैव सीन मैनी अब नॉर्मल रिटर्न कमिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन दैट थैंक यू